Okay, after 4 months after a complete lockdown across the country was announced, which led to an unprecedented exodus of migrant workers, the same workers are now heading back to the cities in search of work. Migrant workers claim that many among them left cities with the thought of never coming back, but unemployment and poverty is forcing them back to return to the cities. Right now we are in the national capital at Anand Vihar Bus Depot. 4 months ago, the government of India announced a complete lockdown. Work was shut for many of the migrant laborers and workers, which led to an unprecedented migrant exodus. Approximately 4 months later, not much has changed for these migrant workers, but they are now returning back to the cities from where they left approximately 4 months before. We'll try to understand what exactly led to that exodus and why the migrant workers are again returning back to the cities. Dost, sabse pehle apna naam batayega. Sandeep Kumar. Sandeep, aap kahan ke rehne wale hain? Hum Mahoba Jila, gaon Halidhora Khurd. To kab ghar gaye the apne? हम लॉकडाउन में ही घर गए थे, मतलब काम कंपनी बंद हो गई थी इसलिए घर चले गए थे। और घर कैसे गए थे आप? घर कुछ कुछ रास्ते पैदल चल के गए थे, बाकी पुलिस वालों का सहारा मिला था तो ट्रक से घर गए थे। ट्रक से घर गए थे, हाँ। और किस उम्मीद में घर गए थे, क्या समस्या हुई थी आपको जो आपको घर जाना पड़ा? समस्या तो ये हुई थी कंपनी में कोई काम नहीं था, निकल गए थे और मान के चलो कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी तो मतलब 1,000-3,000 रुपये बचे थे, इसलिए सोचा कि घर चले जाएंगे इतने में, यहाँ क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे और क्या है। तो एक बात बताइएगा, घर पे उम्मीद थी कि कुछ काम वाम मिलेगा? हाँ मिला तो था, मतलब कि मतलब मिला था सरकार की तरफ से खंती वगैरह, ये आया था मेड़बंदी वाला काम, तो कुछ दिन तक चला, ये बारिश की वजह से वो ही बंद हो गया। अब तो अभी, काम, अभी काम है घर पे? नहीं कोई काम नहीं है। तो अभी आप जो वापस दिल्ली आए हैं किस उम्मीद में आए? ये हमारी कंपनी हमको बुलाया है इसलिए बाहर आए। वापस काम शुरू हो रहा है बड़े शहरों में, यूपी में नहीं है काम? ना यूपी में कोई काम नहीं है। दीदी आप बताइएगा थोड़ा सा कि घर पे क्या समस्या हो रही है आपको? बस काम नहीं मिल रहा, यही समस्या हो रही है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर दिल्ली में क्या लगता है, काम मिल जाएगा? हाँ दिल्ली में काम मिल जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉल आ रहा है हर बार कंपनी से। कंपनी से कॉल आ रहा है? हाँ। अच्छा, अगर हम लोग को जितने मजदूर भाई हैं अगर सबको बाहर, अगर जब बाहर आने की आवश्यकता, अगर हमारे देश में ही अगर हर चीज़ हो जाए तो बाहर हमें निकलने की क्या करे होगा? किसी को शौक थोड़ी लगा बाहर निकलने का? हाँ किसी को शौक थोड़ी लगा बाहर निकलने का। सही कहा आपने, सब सोचते हमारे घर में रहे, बीवी बच्चे के साथ रहे, माँ बाप के साथ रहे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, निकलना पड़ता है। बिल्कुल। सो व्हाट दीज पीपल आर क्लेमिंग इज दैट नोबडी वांट्स टू लीव देयर house their families, but it is only the situation that has again led them back to the cities like the national capital. So many of them claim that they do not fear COVID anymore, they do not fear the virus anymore, because it is not impacting them every day, but unemployment is one thing which is impacting, and while corona might not necessarily kill them, unemployment and starvation will. From New Delhi, I'm Akshay Dongre for NDTV.